सुग्रीव के साथ हनुमान लला की प्रथम भेंट बड़ी ही विचित्र थी। उनके दिव्य आकर्षण ने सुग्रीव को बेहद प्रभावित कर दिया था। हनुमान लला ने अपने पिता के दिव्य गधे को अपने नन्हे हाथों से इस प्रकार उछाला जैसे वो कोई खिलौना हो। ये देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान की बाल लीला सुन सभी रानियां ये जानने के लिए उत्साहित हो गई कि मैंने अपने राम रूप में वानर सेना का चुनाव ही क्यों किया। तब मैंने उन्हें बताया कि रावण के वध के लिए मैंने नहीं बल्कि स्वयं रावण ने ही उनका चुनाव किया था। पापी रावण ने धनेश कुबेर को पराजित कर उसका दिव्य पुष्पक विमान छीन लिया था और अपने मध्य में चूर वो सूर्य देव को भी चुनौती दे बैठा। क्या हो गया? ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिव्य पुष्पक को? ये तो कैलाश है, मेरे महादेव का निवास। ये तो नंदी बैठे। ठहरिए। आगे जाने की अनुमति नहीं है। जाओ मेरे मार्ग से। जानता नहीं मैं कौन हूं। आप कोई भी हो किंतु आगे किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। कृपया आप वापस लौट जाएं। मुझे आज्ञा देने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और मैं केवल तेरे स्वामी के कारण तुझ पर दया कर रहा हूं। महादेव को जो आदेश देना होगा वो स्वयं मुझे देंगे। स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही आदेश है कि वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। हट जा। जानता नहीं तू क्या अपराध कर रहा है। महादेव के परम भक्त को उनसे मिलने से रोक रहा है। स्वयं को महादेव का बड़ा परम भक्त मानते हो और इतना भी नहीं समझते कि भक्त जब उपासना में हो तो भक्त और इष्ट के बीच में नहीं जाया करते। और कैलाशपति के कैलाश में आकर अहंकार का त्याग नहीं करते। स्वयं एक मूढ़ पशु होकर मुझे शिक्षा दे रहा है। चल हट। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, उनके रूप रंग और आकार को नहीं। स्वयं को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानते हो तो ये कैसे भूल गए
कि कैलाशपति महादेव का एक नाम पशुपति भी है। वे सृष्टि के सारे जीवों के अधिपति हैं और सृष्टि के सारे जीव उन्हीं की शरण में जाते हैं। मैं चाहूं तो अभी तुझे कठोर दंड देकर सदा के लिए शांत कर दूं, पर तेरे जैसे तुच्छ पशु से उलझकर मैं जगत में निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता। तू मुझे मेरे आराध्य के दर्शन से नहीं रोक सकता, चल हट जा। भगवान शंकर दीनानाथ भक्त वत्सल हैं। वो अपने भक्तों को दर्शन देने में स्वयं कभी भी विलंब नहीं करते, किंतु आज महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस मर्यादा को समझिए और वापस लौट जाइए। लौट जाना और पीछे हट जाना मेरा स्वभाव नहीं, और ऐसा कौन सा कार्य है कि डमरूधारी अपने परम भक्त दशानन से भी ना मिले। भूतपति माता जगदम्बा के साथ एकांत में कीड़ा मग्न है, इसी कारण कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। क्यों मेरा मार्ग रोक कर अपने काल को निमंत्रण दे रहा है? काल का भय मुझे मत दिखाओ दशानन। स्वयं भगवान महाकाल और महादेवी आदि शक्ति को अपनी पीठ पर उठाकर चलता हूं, और ये भी समझ लो ये नंदी किसी भी स्थिति में तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने देगा। दशग्रीव, तुम व्यर्थ ही मुझसे संघर्ष करके केवल महान पीड़ा के भागी बनोगे। मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। लंकेश दशानन, जो एक बार संकल्प कर ले उसे पूरा करके ही रहता है। भक्त होकर भी बार बार भगवान की आज्ञा का निरादर कर रहा है मूर्ख। We'll be right back.
मैं तो तुझे बैल समझा था, पर तू बैल नहीं वानर है। हाँ वानर है तू, वानर के समान भुड़कता है, वानर के समान उछलता है। तेरा बल तो वानर जितना भी नहीं, और चला है लंकाधिपति दशानन का परास्त करने। ये महादेव भी निराले हैं, किसी भी पात्र अपात्र को वरदान दे देते हैं, किसी को भी अपना गण बना लेते। तेरे जैसे वानर बुद्धि को अपना द्वारपाल नियुक्त कर लेते हैं। बड़ा आया दशानंद से युद्ध करने वाला, वानरों को तो मैं कीट पतंग भी नहीं समझता। वानर बुद्धि। मैं तो प्रभु भोलेनाथ की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसमें वानर बुद्धि दिख रही है तो सुनो दशानन, जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पे विवश हो जाओगे। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रतिष्ठा सब उन्हीं वानरों के पैरों तले कुचला जाएगा। वानर ही तुम्हारा सारा ऐश्वर्य और तुम्हारी पाप की लंका को जलाकर अंत कर देंगे। पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। तुम्हारे राक्षस कुल का सर्वनाश और तुम्हारी मृत्यु का प्रमुख साधन होंगे ये वानर। जागर रंजन भरल विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। कभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तो तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। कभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तो तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। ये गूंज कैसी है प्राणनाथ? ये सत्य और न्याय की गूंज है प्राण प्रिय। हमारे सर्वसमर्थ भक्त नंदी ने एक अशिष्ट को उचित दंड दिया। अपने परम प्रिय भक्त नंदी के इस वचन का मान रखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने बजरंग बली हनुमान के रूप में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वानर सेना का नेतृत्व किया और पाप की लंका जलाकर भस्म करने का वचन तो शिवांश महाबली हनुमान ने स्वयं ही निभाया। इस प्रसंग में एक और ध्यान देने योग्य बात है। वो क्या हृदयनाथ? यही कि भक्त और भगवान के मध्य कभी नहीं आना चाहिए, विशेषकर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ और उनके परम सेवक नंदी महाराज के बीच तो भूल कर भी कभी नहीं। नंदीश्वर वृषभ रूप में भगवान महादेव के साथ शोभायमान है, जिस प्रकार गौ माता पृथ्वी का प्रतीक है उसी प्रकार वृषभ रूप नंदी धर्म का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ सदैव धर्म के साथ हैं और धर्म निरंतर भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहता है। इनके बीच में पड़ने का अर्थ है भगवान महेश्वर से होकर जो सनातन धर्म की धारा बहती है उसमें बाधा डालना। नंदी से ऐसा भयंकर शाप मिल जाने से तो रावण बहुत भयभीत हो गया होगा। भयभीत हो जाता तो कदाचित उसके कुछ पाप धुल जाते।
उद्दंड रावण की बुद्धि को तो अहंकार और क्रोध का घुन लग गया था। अरे मूढ़, तू ना आलसी बैल बन सका ना विधिवत वानर। तू क्या समझता है मैं तेरे तुच्छ शाप से घबरा जाऊंगा? वानरों से भयभीत होकर प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करूंगा? तूने अभी मेरी शक्ति देखी नहीं है, परंतु तुझ पर बल का प्रयोग करके मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। तेरा अस्तित्व तो वैसे भी तुच्छ और नगण्य है, पर अब मैं उसे अर्थहीन बना दूंगा। तो यहीं खड़ा रह और देख, मैं तेरे सामने से ही संपूर्ण कैलाश पर्वत को यहां से उखाड़ कर अपनी राजधानी लंका ले जाऊंगा। हे महाकाल, मैंने इन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, अब आप ही हमारी सहायता करें प्रभु।